आदर अभिनंदन आभार नमस्कार आदाब सत सस्त्रीकाल हेलो एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल द लेडीज एंड जेंटलमैन आई एम दीपक धरा योर इंग्लिश लाइफ कोच एंड मोटिवेशन स्पीकर सो टुडे वी आर गोइंग टू डू द फोर्थ चैप्टर ऑफ क्लास इंग्लिश टूडे बुक एंड दिस चैप्टर हैज चैप्टन रिटन बाय सलमा लेर ऑफ जो चैप्टर है सिर्फ क्लास ट्वेल्थ वाले बच्चों के लिए नहीं जो इंग्लिश स्पीकिंग वाले बच्चे हैं उनके लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर इस चैप्टर के अंदर हम काफी एडियम्स अच्छे अच्छे वर्ड्स और कुछ अच्छे सेंटेंसेस और बहुत अच्छे अच्छे एडियम्स भी सीखने वाले हैं जो कि आप अपनी इंग्लिश लैंग्वेज में यूज करके अपनी लैंग्वेज को नेक्स्ट लेवल पर लेके जा सकते हो सो आई थिंक वी शुड स्टार्ट नाउ बट बिफोर गोइंग एनी फर्दर इट्स माई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू लाइक शेयर एंड कमेंट ने रेट रेटरप का मतलब क्या होता है रेटरप होता है चूहादानी तो ये एक स्टोरी है एक ऐसे व्यक्ति की जो कि चूहादानी बेचने वाला व्यक्ति होता है ठीक है रेड ट्रैप यानी रेड मतलब चूहा ट्रैप मतलब उसे पकड़ लेना या फंसा लेना वंस अपॉन ए टाइम देर वॉज अ मैन एक समय की बात है जब एक आदमी था हु वेंट अराउंड सेलिंग स्मॉल ऑफ वायर जो कि तार के जो चूहेदानी होती है जो तार से बने हुए जो रेड्रेप होते हैं यानी चूहेदानी वो बेचता था ही मेड दैम हिमसेल्फ एट ओल्ड मोमेंट्स वो का मतलब क्या होता है विषम विषम मतलब नेगेटिव या बुरा विषम परिस्थितियों में जो बुरा वक्त होता था उसका बुरा वक्त चल रहा होता था उसके पास खाने के लिए कुछ होता नहीं था तो क्या करता था तार बार जोड़ के कुछ बना के उनका बेच देता था उनको ठीक है जिससे उसका अपना पेट भर लेता था वो तो वो ओल्ड मोमेंट्स पे ये बनाता रहता था फ्रॉम द मटेरियल ही गॉट बाय बैगिंग जो कि कहीं से मांग मूंग के जो मेटीरियल उसको मिल जाता था बैगिंग क्या होता है भीख मांगना मांग मांग के ही वो चीज़ों से क्या करता था अपना सामान बना लेता था और उसको क्या कर देता था बेच देता था उन तार वगैरह का इस्तेमाल करके वो क्या करता था उनसे एक रेटर बना लेता था कुछ और उनको बेच दिया करता था जो वो भीख मांग कर बैगिंग करके कहीं कहीं से इकट्ठा करके उनको बेचा करता था एट द बिग फार्म्स कोई बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ होती थी वहाँ से तार वर उठा लेता था मांग लेता था उनसे रेटर बना के बेचता था बट इवन सो द बिजनेस वॉज नॉट स्पेशली प्रॉफिटेबल जो प्रॉफिटेबल नहीं था उसका बिजनेस यानी कुछ ज्यादा कमा नहीं पाता था कैसे तो है कि उससे कुछ बना के बहुत ही लाखों करोड़ों कमा लेगा सो ही हैव टू रिजॉर्ट टू द बोथ बैगंग एंड पैटी थीवरी पैटी मतलब होता है छोटी मोटी थीवरी मतलब होता है चोरी चकारी छोटी मोटी चोरी चकारी भी वो कर लेता था साथ साथ जिससे उसका गुजारा जो है वो होता रहता था टू तो कीप देखिए आपकी कितना चाइडियम है टू तो कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर यानी की कि तो टू कीप बॉडी बॉडी मतलब शरीर सोल मतलब आत्मा बॉडी और आत्मा को एक साथ बनाए रखने के लिए उसे क्या करना पड़ता था छोटी मोटी चोरी कर लेता था जिससे कि उसका गुजर से चलता रहता था तो टू की बॉडी एंड सोल टूगेदर का मतलब क्या होता है गुजारा करना एक तरीके से जिंदा रहना बस जिंदा रहने के लिए कुछ गुजर बसर कर लेना या गुजारा करने को बोलते हैं टू की बॉडी एंड तो गुजारा करने के लिए उसे क्या करना पड़ता था छोटी मोटी चोरी वगैरह और साथ साथ जो चुहेदार थे वो बेचता रहता था इवन सो क्लोथ्स वर इन बट इतना कुछ करने के बाद भी उसके कपड़े क्या थे बिल्कुल रैक्स थे रैक्स का मतलब क्या होता है चिथड़े बिल्कुल चिथड़ो वाले उसके कपड़े होते थे फटे पुराने चीक्स वर संकन संकन देखो यहां पे कितने छतरीके से यूज किया गया सिंक वर्ड को सिंक मतलब क्या होता है डूबना तो सिंक की थर्ड होम संकन लगे हुए यहाँ वर वन उसके चीक्स जो गाल थे बिल्कुल डूबे हुए थे डूबने का मतलब ये नहीं कि वो पानी में डूब गए थे मतलब ये कि अंदर की तरफ धसे हुए थे दबे हुए थे मतलब कमजोर सा व्यक्ति था एंड हंगर ग्लीमड इन आइज लेकिन उसकी आंखों में जो हंगर थी भूख थी ग्लीम ग्लीम मतलब था चमकना दिखना दर्शित होना उसकी आंखों में भूख दिखाई दे रही थी चमक रही थी ठीक है ये उसकी कंडीशन थी नो वन कैन इमेजिन हाउ सैड एंड मोनोटोनस सैड मतलब उदासी मोनोटोनस भी एक निराशा के लिए यूज करते हैं निराशा भरी उदास हताश जिसमें अंधेरा अंधेरा छाया हो तो कोई सोच भी नहीं सकता कि कितनी हताश उदासी भरी लाइफ उसकी थी अपियर टू सच अबोड वेगा बोंड मतलब एक आवारा घुमक्कड़ व्यक्ति को वेगा कहते हैं बेचारा जो इधर उधर भटकता रहता है अपनी जिंदगी में कुछ कोई एक लक्ष्य नहीं है कोई घर नहीं है ना कोई ठोरे ठिकाना है लेकिन फिर बेचारा इधर उधर भटकता रहता है तो ऐसी चीज जो जिंदगी हो कैसी हो मोनोटोनस है मोनोटोनस मतलब उदासी भरी है निराशा भरी है हु प्लोड्स अलोंग द रोड प्लोड्स का मतलब देखो प्लोड मतलब होता है पैर घसीट का चलना हल्के से चला आपने कई बार देखा देखेंगे कुछ गरीब रोड पे चलते होते हैं। तो जल्दबाजी में नहीं होते हमारी तरह क्योंकि हमें तो कहीं काम पे भागना होता तो है कभी कहीं जाना होता है प्लोर्स मतलब होता है अपना बेचारा आराम आराम से चल रहे हैं कुछ सोचते हुए अपने क्योंकि कोई जल्द जल्दबाजी तो है नहीं किसी काम की तो हु प्लोर्स अलॉन्ग द रोड जो कि आराम से पैर घी घसीट के रोड के आसपास चलते रहते हैं लेफ्ट इज़ ओन मेडिटेशन ऐसा लगता है कि खुद की ही मेडिटेशन में खुद की मेडिटेशन में बैठे हुए हैं बट वन डे द मैन हैड फॉलन इन टू लाइन ऑफ थॉट लेकिन एक दिन गहरी सोच में पड़ गया था तो कितना अच्छे में यूज किया है सोच विचार करने को मैन हैड फॉलन वो गिर गया था इनटू अ लाइन ऑफ़ थॉट विचारों की लाइन में गिर गया था इसका मतलब क्या है वो गहरा सोच में गहराई से चला गया था ठीक है विच रियली सेम टू हिम एंटरटेनिंग जो कि उससे बहुत ही एंटरटेनिंग लगा जो बहुत सोच रहा था अपनी मनी मन में वो सारी चीज़ें उसको बहुत ही एंटरटेनिंग लगती है बहुत ही आ, उसे बहुत ही खुशी देती है उसे ही है नेचुरली बीन थिंकिंग ऑफ हज रेट सेप क्योंकि उस समय वो बैठा बैठा क्या सोच रहा था अपने चूहे के बारे में सोच रहा था वैसे वो स्ट्रक बाय द आइडिया चूहे दानी के बारे में सोचते सोचते उसके दिमाग में एक आइडिया स्ट्रक किया अचानक से उसके दिमाग में एक आइडिया आया जो आइडिया था वो किस चीज के बारे में था वर्ल्ड अबाउट हिम तो सोचते सोचते उसे एक दुनिया के बारे में आइडिया आया द होल वर्ल्ड विद इट्स लैंड

कि हम चूहे को फंसाने के लिए जैसे चारा लगाते हैं ना सेम उसी तरीके से ये भी क्या कर रखा है चारा लगाया गया है बेट्स लगाया गया फॉर पीपल लोगों के लिए जैसे चूहे ध्यान में हम चूहे के लिए लगाते हैं इस दुनिया में लोगों के लिए लगा है इट अफोड रिचीज एंड जॉयस क्योंकि इस दुनिया में क्या है रिच चीज मतलब यहाँ पे अमीरों के लिए रिच यूज नहीं किया गया है इस रिचीज का मतलब होता है धन दौलत तो जो दुनिया में धन दौलत है जॉयज है मस्ती की जो चीजें हैं शेल्टर हैं जो घर हैं फूड है ट एंड क्लोथिंग जो अलग अलग चीज़ें हैं जो लोगों को वो कपड़े जो दुनिया में बहुत सारी चीज़ें हैं ये सारी चीज़ें लोगों को अट्रैक्ट करते हैं इन्हीं चीज़ों को पाने के चक्कर में इंसान इस दुनिया के जो रेटरप है इसमें फंस जाता है एग्जैक्टली एज द एग्जैक्टली एज द रेड ट्रैप ऑफ चीज जिस प्रकार से एक रेड ट्रैप के अंदर हम चीज का टुकड़ा लगा देते हैं जो पनीर वगैरह का टुकड़ा लगाते हैं पोर्क सूर का चौमा होता है उसे पोर्क कहते हैं सूर का मांस का टुकड़ा लगा देते हैं या फिर कुछ और लगा देते हैं खाने के लिए ताकि चूहा उसे देखे उसे खाने के लिए आए और आके उसमें फंस जाए इन द सेम वे एज एज एनी वन लेट हमसे मतलब होता है आकर्षित होना लालच में आ जाना तो जैसे ही चूहा देख के लालच में आ जाता है तो ऐसे इंसान भी चीजों को देख के लालच में आ जाता है टू तो टच द बेट उस बेट को टच करने की कोशिश करता है उस चारे को टच करने की कोशिश करता है इट क्लोज ऑन हिम और यही उसके ऊपर क्या हो जाता है बंद हो जाता है एंड देन एवरीथिंग केम टू एन एंड और इसी प्रकार हर एक चीज का क्या आ जाता है अंधा जाता है तो इंसान भी ऐसी चीजों में फंस जाता है क्यों क्योंकि उस लालच के चक्कर में द वर्ल्ड हैड ऑफ कोर्स नेवर बीन वेरी काइंड टू हिम आज जो पूरी दुनिया थी वो तो कभी भी उसके लिए कोई दयालु बनी ही नहीं यानी उसके साथ कभी किसी दुनिया में किसी इंसान ने अच्छा बिहेव नहीं किया इसीलिए सारी चीजें सोच के खुश हो रहा था कि लोग भी फंस जाते हैं बढ़िया होता है क्यों क्योंकि अक्सर आपने देखा हुआ एक गरीब इंसान को दिखाई देता तो कोई उसके साथ अच्छा बिहेव नहीं करता सो इन द सेम वे उसके साथ कोई अच्छा बिहेव नहीं कर था तो लोगों के बारे में बुराई सोच रहा था सो इट गेव हिम जॉय और इसीलिए उसको क्या मिला था अनवॉन्टेड जॉय एक ऐसे में तो एक ऐसा मानने खुशी मिल रही थी उसे मजा आ रहा था है लोग फंसते हैं ना अच्छी बात है वे सोच रहा था टू थिंक इल इल ऑफ इट मतलब यहां पे बीमार नहीं है इल का मतलब वैसे बीमार होता है लेकिन इनक हम इस तरीके से भी यूज करते हैं जब हम कहते हैं ना किसी का कोई नेगेटिव चीज के लिए कि भाई बुरा सोचना बुरे विचार उनके लिए भी हम इल बोलते हैं तो जब उनके लिए बुरा सोच रहा था इ थिंकिंग थी उसकी तो इस बात को देखिए खुश हो रहा था क्योंकि दुनिया ने भी उसके साथ बुरा बर्ताव किया है तो आज वो भी खुश था ये चीजें सोच के कि लोग भी ऐसे फंस जाते हैं इट बिकेम अ चेरिस्ट पास टाइम ऑफ इज और ये वो समय था जिसमें उसने अच्छे से खुशी मना किया, किया अपनी मन, में खुश हो रहा था ड्यूरिंग बेचारा का मतलब क्या होता है जो थकाऊ लंबी उदासी भरी जो, इसने प्लोडिंग्स की है यात्राएं मतलब यात्रा या भटकना चलना इधर उधर टू थिंक ऑफ पीपल ही न्यू हैड लेट से डेंजरस स्नेयर तो इसी प्रकार उसने देखा कि, कि लोग अपने को एक स्नेयर मतलब क्या होता है फंदा एक बुरे फंदे में एक जाल में अपने आप को फंसा लेते हैं एंड

Uh, बेजान सी एक ग्रे कॉटेज ग्रे का मतलब एक धूल में हुई हुई ठीक को है ना ऐसी तो को बोलेंगे ग्रे कॉटेज तो ग्रे कॉटेज को दिखाई दी बाय द रोड साइड रोड के बगल में थी एंड ही नोक्ड ऑन द टोर और इसने दरवाजे पर जा किया, क्या? नोक किया नोक मतलब खटखटाया टू तो आस्क शेल्टर फॉर द नाइट ये पूछने के लिए कि क्या आज रात के यहां पे ठहर सकता है नोट वॉज रिफ्यूज उसको मना नहीं किया गया कि उसको इजाजत मिल गई इंस्टेड ऑफ सावर फेसेस विच मैट हिम अक्सर उसे बहुत ही बुरे फेसेस का सामना करना पड़ता था लेकिन उसका यहाँ पर क्या हो गया एक तरीके से स्वागत हुआ उसको बुरे फेस से नहीं देखा गया अक्सर उसे मना कर दिया जाता था लेकिन आज उसे एक रहने के लिए इजाजत मिल गई

तो लंच होता है फिर उसके बाद जो आता है सफर होता है हमारा तो ऐसा उसने क्या किया उसे सफर दिया शाम का जो खाना तो दिया ही कार्ड ऑफ सच अ बिग स्लाइस उसने क्या कि कार्व किया कार ऑफ किया कार का मतलब क्या होता है कि जिसको खोद के निकाला है नक्काशी करना उसे बोलते हैं तो उसने क्या किया बड़ा सा टुकड़ा निकाला अ बिग स्लाइस फ्रॉम हिज टोबैको रोल जिसको तंबाकू का जो पाउच था रोल था उसमें से थोड़ा सा हिस्सा निकालता है इट वॉज इनफ बोथ फॉर द स्ट्रेंजर्स पाइप एंड ओन तो उसने तंबाकू पीने का सोचा और उसने इतना निकाला जो कि उसके लिए और स्ट्रेंजर के लिए दोनों के लिए अपना शाम को जो शिगार पिएंगे वो उन दोनों के लिए काफ़ी था उन्होंने शाम को उन्होंने अपने आराम से बैठ दलिया खाया और क्या किया अपना बातें बातें की और उसके बाद तंबाकू का जो शिगार है वो यूज़ किया फाइनली ही आउट एन ओल्ड पैक ऑफ कार्ड और बाद में उसने क्या किया कुछ पुराने ताश के पत्ते थे वो निकाल लिए एंड प्लेड मिजोल्स जो गेम का नाम है ताश खेलते हैं वो इन्होंने खेलना स्टार्ट कर दिया विद दिस गेस्ट अंटिल बेड टाइम बेड टाइम का मतलब क्या होता है सोने का समय देखो बेड के साथ कुछ और नहीं लगाना जब तक बेड को डायरेक्ट यूज किया जा जाए तो उसका मतलब समझ जाना सोने की बात होती है अनटिल बेड टाइम तो यहाँ पे बेड टाइम का मतलब क्या होता है सोने का समय तो बेड टाइम जो था तब तक उन्होंने अपने आराम से ताश खेले द ओल्ड मैन वो जस्ट अस विदिडेंसिस जो इंसान था बड़ा ही जेनरस था उदार था चीजें बताता जा रहा था विद इज कॉन्फिडेंस यहां पे कॉन्फिडेंस का मतलब क्या है ये वो कॉन्फिडेंस नहीं है कि भाई मेरे अंदर बहुत कॉन्फिडेंस है बोलने का वो करने का कॉन्फिडेंस का मतलब क्या होता है राज की बातें अपने जो कॉन्फिडेंसिस है उनके बारे में भी बताने लग जाता इतना ज्यादा दयालु रखा था इतना ज्यादा उधार था कि सारी बातें अपनी बताता जा रहा था एज विद विदेज एंड टोबैको कभी पोज उसको खिलाया टोबैको उसको दिया द गट वॉज इनफॉर्म एट द डेज ऑफ ऑफ द द प्रोस्पेरिटी होस्ट प्रोपरिटी ऑफ्टन क्रोफ्टर्स एट राम्सो आयरन वर्क तो उसको बताता कि पहले मैं प्रोस्पेरिटी वाले दिन थे मेरे मतलब मैं अच्छा कमाता खाता था बहुत पैसा वैसा था कोई दिक्कत नहीं थी कमाने

यस दैट वॉज बोसी वॉज एक्सट्रॉनरी लेकिन एक तरह से, से बोसी सा नेचर दिखा रहा था अपनी मतलब डिंगे सा हाकना होता है ना पास तो गाय है मैं तो अभी भी ये रहता हूँ अपनी ऐसे एक तारीफ के वे में बताता जा रहा था शी milk फॉर द क्रीमरी वरी डे और कह रहा है कि जो क्रीम क्रीमी का मतलब होता है जो कि दूध बेचने वाली दुकान होती है जो कि मक्खन मक्खन बेचने की दुकान होती है कि उसके लिए मैं अपनी गाय से डेली क्या क्या निकाल लेता हूँ जो मिल्क है वो निकाल लेता हूँ और मैं शॉप पे बेच के आता हूँ एंड लास्ट मंथ ही हैड रिसीव्ड ऑल द थर्टी क्रोनर इन द पेमेंट और कह रहा है कि पिछले महीने तो मैंने तीस करोड़ रुपये कमा लिए थे ये दूध बेचकर ही द स्ट्रेंजर मस्ट हैव सीम्ड जो स्ट्रेंजर था वो क्या था ये जिसकी बातें थी ना उसको इनक्रेडुलस लग रही थी उस पर यकीन नहीं हो पा रहा था उसे फॉर द ओल्ड मैन गोट अप ऐसे में क्या था जो ओल्ड मैन था वो गोट अप होता यानी उठता है एंड वेंट टू द दिंडोर खिड़की के पास जाता है टुक डाउन अ लेदर पाउच और एक लेदर का पाउच लगा टंगा हुआ था वहाँ पे उसे उतारता है विच हंगा ने नेल मतलब होता है कील ये नाखून नेल नहीं है ये नेल मतलब कील है नेल पर टंगा हुआ था नहीं कील पर टंगा हुआ था इन द वेरी विंडो फ्रेम तो विंडो का फ्रेम होता है उसके कोने पे कील लगी थी उसी के ऊपर एक लेदर का पाउच था उसे उतारता है एंड पिक्ड आउट थ्री रिंकल्ड रिंकल्ड मतलब जुरीदार मुड़े हुए ऐसे मुड़े हुए से कुछ तीन करोड़ जो नोट थे वो निकालता है और उसे दिखाता है कि देखो ये मैंने क्या किया था कमाया था दिस ही हेल्ड अप बिफोर द आइज ऑफ द गेस्ट और गेस्ट के आगे ऐसे करते हुए दिखाता है कि देखो मैंने ही किया था नोडिंग नोइंगली ऐसे नोड का मतलब क्या होता है जब हम हाँ करते हैं हाँ भरते हैं सिर हिलाते हैं अपना ऐसे नोड करते हुए उसको अच्छा हाँ करता है तो ऐसे दिखाता है और कहता है देखो ये मैंने क्या किया था कमाया था देन स्टफ बैक इंटू द पाउच स्टफ का मतलब क्या होता है ठूस देना या डाल देना तो वापस वो अपना उनको उठा पकड़ता है और वापस पाउच के अंदर स्टफ बैक कर देता है उनको डाल देता है द नेक्स्ट डे बोथ मैन गोट अप गुड सीजन अब दोनों अपने अलग अलग हिसाब से अपना फ्रेश उठे द क्रोफ्टर वॉज इन हरी लेकिन क्रोफ्टर था वो जल्दी में था हरी का मतलब क्या होता है जल्दी में जब हम जल्दी में होते हैं ना तो बोलते हैं हरी ठीक है so, सो क्रोफ्टर बॉयज इन हरी वो जल्दी में था वो तो मिल खिसकाओ क्योंकि उसे क्या करना था अपने जो गाय है उसका दूध निकालना था एंड द अदर मैन प्रोबेबली थोर द शुड नॉट द स्टे इन द बेड लेकिन जो दूसरा आदमी था उसने सोचा कि ये अच्छी बात नहीं है कि मैं अभी भी बिस्तर पर पड़ा रहा शुड नॉट स्टे इन द बेड बेड में रही न, नहीं पड़े रहना चाहिए वेन द हेड ऑफ द हाउस हैड गोटन अप जब घर का जो मालिक है वो उठ गया और फिर भी हम घर में ऐसे पड़े रहे देर तक तो अच्छा नहीं लगता इसलिए दोनों एक साथ उठ गए एक समेट एक सेम टाइम पर उठ गए

दोनों अपने घंटे अपने बाद वो, वो, वो दरवाजे के आगे खड़ा हुआ था in, लेकिन उसने घर में अंदर जाने की कोशिश नहीं की वो अंदर नहीं गया उसने क्या किया हाउ एवरली वेंट अपू दिन विंडो थी खिड़की थी उसके पास जाता है एंड स्मेशन पेन का मतलब क्या होता है कुछ लोग ना विंडो के शीशे के जो खिड़की का शीशा होता है विंडो ग्लास कहते हैं ग्लास नहीं होता वो पेन कहा जाता है उसे तो स्मैश मतलब क्या कहता है प्रहार से तोड़ देता है किसको जो खिड़की का शीशा था उसे स्टक इन हिज हैंड एंड गोट जो अपना हाथ उसके अंदर डालता है एंड गोट होल्ड ऑफ द पाउच जो पाउच है उसे पकड़ लेता है थर्टी क्रोनर जो कि तीस क्रोनर का जो पाउच था उसे होल्ड कर लेता है मनी एंड थर्स्ट इट it into his ओन पॉकेट उस मनी को निकालता है और थर्स्ट एकदम थर्स्ट कम लगता है अचानक से ठूस देना जो लगा के अपनी जेब में डाल लेता है देन ही हंग द लेदर पाउच वेरी carefully पैक इन दिस प्लेस और फिर से उस लेदर के जो बैग है उसको क्या करता है उसकी फिर से उसी जगह पे उसे क्या कर देता है रख देता है एंड वेंड अवे और वहां से निकल जाता है इन पैसों को चुरा के निकल जाता है वहां से एंड ही वॉकड अलोंग विद द मनी इन हिज पॉकेट और जो पैसा था वो अपनी जेब में डाल के वहां से निकल जाता है ही फेल्ट क्वाइट प्लीज क्वाइट प्लीज का मतलब क्या क्वाइट मतलब काफी प्लीज मतलब खुश काफी खुश दिखाई दे रहा था विद स्मार्टनेस स्मार्ट देखो कितना स्मार्ट हूं मैं ही रियलाइज्ड ऑफ कोर्स वो बहुत महसूस करता कितना स्मार्ट हूं कैसे मैंने चालाकी से पैसों को निकाल लिया एट द फस्ट ही डेट नॉट कंटिन्यू दब्लिक हाईवे से सोचा कि पब्लिक हाईवे से मुझे नहीं जाना चाहिए क्योंकि अगर मान लो से पता चल गया तो वो मुझे ढूंढते हुए पब्लिक हाईवे से आएंगे और हो सकता है लोग मुझे पकड़ लें बट मस्ट बीटर्न ऑफ द रोड उसे सोचा कि मैं रोड का रास्ता छोड़ देता हूँ मुझे कहीं और से जाना चाहिए इन टू द वड्स और वहाँ से क्या करता है वुड्स की तरफ चल पड़ता है वैसे वुड का मतलब क्या होता है लकड़ी लेकिन वुड्स का मतलब क्या होता है जंगल होता है तो जंगल के रस्ते चल पड़ता है ड्यूरिंग द फर्स्ट आवर्स दिस कॉल्स हिम नो डिफिकल्टी अब पहला जो एक घंटा था उसका उसमें कोई डिफिकल्टी नहीं आसानी से वहाँ पर चलता रहता है लेटर इन द डे इट बिकम वर्स लेकिन जैसे दिन बढ़ता जाता है जो उसका रास्ता था वो वर्ष होता जाता है वर्ष मतलब और बुरा होता जाता है फॉर इट वॉज अ बिग एंड कन्फ्यूजिंग फॉरेस्ट क्योंकि एक बहुत ही बड़ा और कन्फ्यूजिंग कन्फ्यूज करने वाला फॉरेस्ट था जंगल था विच ही हैड गॉर्डन इंटर जिसके अंदर एक घुस गया था ही ट्राइड टू बी श्योर टू वॉक इन अ डिफाइन डायरेक्शन वो कोशिश कर रहा था कि समझ नहीं पा रहा था कि मुझे किस डायरेक्शन में जाना चाहिए वो बार बार किसी डायरेक्शन में जाकर कोशिश कर रहा था बट द पाथ ट्विस्टेड बैक लेकिन घूम फिर के जो रस्ते थे वो इधर उधर ही भटक रहे थे एंड फोर्थ सो स्ट्रेंज स्ट्रेंजली और जितने भी रस्ते थे वो सारे क्या थे बिल्कुल अजीब व गरीब थे उसे समझ नहीं आ रहा था सारे ट्विस्टेड थे ट्विस्टेड मतलब क्या होता है मुड़े हुए इधर से उधर जाता उधर से इधर जाता पता चलता कि भाई वहीं पे था वो ही वॉक एंड वॉक विदाउट कमिंग टू द एंड ऑफ द वुड रहा, तब तक तो चलता रहा कि जब तक वो जंगल के अंत में आ जाए। एंड फाइनली ही रियलाइज लेकिन अंत में उसे महसूस हुआ दट हीड ध सेम पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट कि वो कहीं और दूर तक नहीं जा रहा वो तो उसी रास्ते पर घूम रहा है घूम फिर के उसी घूम फिर के उसी रास्ते पर आ जाता है फिर से ऑल एट वंस ये रिकॉर्ड थॉट्स फिर से उसे वही विचार याद आते हैं जो थोड़ी देर पहले सोच रहा था अबाउट द वर्ल्ड दुनिया के बारे में एंड द रेड ट्रैप इस चूहेदानी के बारे में वो कह रहा था ना कि पूरी दुनिया के एक चूहेदानी की तरह रेड ट्रैप कितर है वो सारे विचार उसके मन में फिर से आते हैं नाउ हिज ओन टर्न हैड कम अब उसकी खुद की बारी आ गई थी हेडलाइट हिम सेल्फ बी फुल्ड अब सोचता है कि मैं कितना मूर्ख हूँ मैंने खुद को ही क्या कर लिया है मूर्ख बना लिया है बाई अ बेट एक चारे के जरिए मैंने भी क्या किया एक लालच में मैं भी फस गया मैं भी एक लालच में क्या हो गया फंस गया एंड हैड विनकोड और पकड़ा गया जिसको so कहना दुनिया फंस जाती लालच को देख के आज खुद फंस गया था द होल फॉरेस्ट वॉज इट स्ट्रॉग जो उसकी पूरा जो पूरा जंगल था होल फॉरेस्ट

अभेद है जिसको हम तोड़ तोड़ा सकते एक ऐसी जेल की तरह हो बन गया था। प्रिज, प्रिजन मतलब हो था जेल ऐसी एहसास हुआ कि ये खुद क्या हो गया है एक प्रॉब्लम में फंस गया और प्रॉब्लम क्या है एक रेड ट्रैप है फंस गया है इट वॉज लेट इन दिसंबर का जो अंत का समय चल रहा था बिल्कुल ठंड भी थी डार्कनेस वॉज ऑलरेडी डिसेंडिंग ओवर द फॉरेस्ट और अंधेरा छाता जा रहा था यानी ये समस्याओं में गहरा जा रहा था दिस इंक्रीज द डेंजर और इसी वजह से खतरा और बढ़ गया था ठंड थी ना रास्ता मिल रहा था और जंगल में फंसा हुआ था एंड इंक्रीज ऑल्सो ग्लूम और इसकी जिंदगी में ग्लूम ग्लूम मतलब अंधकार अंधकार छाता चला गया डेस्पेयर डेस्पेयर का मतलब होता है निराशा इसकी जिंदगी में अंधकार और निराशा छाती चली गई फाइनली ही सा नो वे आउट उसको कोई भी रास्ता दिखाई नहीं दिया कि कैसे जंगल से बाहर निकले एंड ही सैंक डाउन ऑन द ग्राउंड और बेचारा जमीन पे सैक डाउन यानी धस गया बिल्कुल एक तरीके से जमीन में गर्ता चला गया टायर टू डेथ इतना ज़्यादा थक गया था वहां पर चल चल के चल चल के बहुत ज़्यादा यहाँ पे देखो तो दो इतना अच्छा फ्रेज लिखा हुआ टायर टू डेथ टायर मतलब थकना होता है लेकिन टायर टू डेथ का मतलब होता है बहुत ही ज्यादा थक जाना बिल्कुल थक के चूर हो जाना उसे बोला जाता है टायर टू डेथ थिंकिंग दैट ही हैज़ लास्ट मोमेंट कम और यही सोच रहा था कि उसकी जिंदगी का अंत आ गया उसकी जिंदगी के जो लास्ट पल है वो आ गए हैं अब ये मर जाएगा बट जस्ट एज ही लेड हिज हेड ऑन द ग्राउंड लेकिन जैसे ही उसने अपना जमीन पर रखा ही हर्ड अ साउंड उसे कुछ आवाज़ सुनाई दी अ हार्ड रेगुलर थम्पिंग थम्पिंग मतलब क्या होता है धम धम की आवाज आना धम धम होने की आवाज़ आना तो ठीक है यहां तक आज हम लेसन करते हैं ये है फर्स्ट पार्ट में और इसका सेकंड पार्ट उसमें हम इस लेसन को कंप्लीट करेंगे वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है इसलिए हमने इसे टू पार्ट्स में किया है तो अब तो क्या हुआ वो जंगल में फंस जाता है और उसे बाद में एक जब वो उदास हो रखा था उसे धम धम की आवाज़ आनी शुरू हो जाती है यहाँ तक आई यह थिंक आपको पूरा लेसन क्लियर है वीडियो अगर क्लियर नहीं है तो फिर से देखिए और पता क्या करना है गुरु दक्षिणा के रूप में लाइक शेयर सब्सक्राइब इट्स मस्ट ओके सो so, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार